Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Here I am with you. Important questions related to age of industrialization. History एक एक वीडियो में मैं एक ही चैप्टर जो है वो लूंगी बिकॉज चैप्टर लंबा होता है और आप लोगों के लिए भी काफी इजी होगा ये. नाउ फर्स्ट इज ये पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर वन मार्क में ये एट टाइम्स ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये. एंड ये न्यू वर्ड जो आपको दिए हैं ये भी आपके वन मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पेज पे दिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पिक्चर नॉट वेरी इम्पोर्टेंट बट आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा. आप ये मैंने ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या डिपिक्ट कर रही है. और अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी वीडियो जो है वो देख लीजिएगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. इन दिस नेक्स्ट टॉपिक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 3 मार्क्स में ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा. देन आफ्टर दैट कम्स ये आपको जितने भी ये वन वर्ड हैं ये आप जरूर इनको भी कर लीजिएगा. वन वर्ड फॉर 1 मार्क्स ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वन वन वर्ड आंसर्स. नेक्स्ट कम्स द सीरीज ऑफ इन्वेंशन. देखिए अर्लियस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय 1730s. ये मतलब ईयर इफ यू हैपन टू लर्न ठीक है, अदरवाइज कोई फोर्स मत करिएगा. देन सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन प्रोसेस की ये जो 1 मार्क में इसको आप कर लीजिएगा किसी भी फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है ये एंड इट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके लिए मैंने आप देखिए बहुत एकदम परफेक्ट आंसर मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ है. पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी रैपिड एक तरीके से पूछा जा सकता है. सेकेंड टाइप इज दैट कमेंट ऑन द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज ड्यूरिंग इन ब्रिटेन. ये अनदर टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंसर विल बी द सेम. और आप देखिए मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये अलग अलग पॉइंट आपको मैंने ये मार्क करके ये दिए हैं, ये आप ये कर लीजिएगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, वाई. और ये इसका वाई का आंसर जो है ये मैंने आपको हाईलाइट किया है. और नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है ये इंपॉर्टेंट है, इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल, वाई. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वाई करके ये पूछा जा सकता है. तो ये इसका जो है वो आंसर है ये इसका जो मैंने आपको हाईलाइट करा हुआ है. नाउ अबाउट द लाइफ ऑफ द वर्कर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो है दैट अबाउट हाउ द वर्कर्स दे लिव देयर लाइफ. तो और उसके रीजन क्या है दैट व्हाई दे वर देयर लाइफ वाज सो पैथेटिक. तो इसके रीजन है सीजनैलिटी ऑफ वर्क, वेजेस इंक्रीज समवॉट इन अर्ली सेंचुरी, इनकम जो है वो डिपेंड करती थी वेज रेट पे, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं ये. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है दैट ये मैं आपको बता रही हूं, मैं ये हाईलाइट किया हुआ आप रीड जरूर करिएगा. अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए आ जाता है दैट व्हाट हैपन टू वीवर्स, कि वीवर्स के साथ क्या हुआ था, व्हाट हैपन टू वीवर्स, ये इंपॉर्टेंट है ये व्हाट हैपन टू वीवर्स. कि कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर जो है इट लेड टू डिक्लाइन इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया से. देन बिफोर एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर बंगाल कैनल ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत रेगुलर सप्लाई उनको डिफिकल्ट हुई थी, ये इसका अनदर पॉइंट है ये इसका. देन नेक्स्ट इज अबाउट लोकल ट्रेडर्स जो हैंगे कॉम्पीट करते थे किनके साथ में, लोकल ट्रेडर्स को पोर्तुगीज फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के साथ में कॉम्पीट करना होता था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर अपनी एसर्ट करी थी और मोनोपोली राइट टू ट्रेड, और वो एक सिस्टम जो है वो करना चाह रहे थे. और इसके एक्सप्लेनेशन आप एक बार मेरी वीडियो में देख लीजिएगा जो मैंने इसकी डाली हुई है एंड कैसे किया था. अब देखिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन क्या बनता है दैट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड
पॉलिटिकल पावर, तो उन्होंने कैसे अपनी ये पावर को एस्टैब्लिश कैसे किया, आप ये देखिए, ये इसके पॉइंट्स हैं ये कि कैसे उन्होंने एस्टैब्लिश किया, दिस इज द सेकंड पॉइंट। और ये देखिए सिस्टम ऑफ एडवांसेस के थ्रू उन्होंने ये पॉइंट जो है ये सेकंड पॉइंट है ये। नाउ नेक्स्ट इज लोन जो है वो फ्लोड इन द मार्केट और ये एकदम से एक्सपैंड होने लगा और वो इनकम अर्न करने लगे, ये थर्ड पॉइंट है ये। इन मेनी वीविंग विलेजेस देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस, गमस्तास कौन है ये आपको ध्यान रखना होगा, और ये सिपॉयज, सिपाही एक्चुअली में वर्ड है जिस जो ब्रिटिशर्स इसको प्रोनाउंस करते हैं, है हिंदी का वर्ड, ब्रिटिशर्स इसको सिपाही बोलते थे इनको। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन, ये चैप्टर में आपको हाईलाइट करके एक बार मैं सेंड कर दूंगी। नाउ फर्स्ट कॉटन मिल 1854 में आई थी। अब नेक्स्ट इज अबाउट अर्ली एंटरप्रेनर्स, ये इंडिया के बारे में है, दैट द इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन डिफरेंट रीजन्स बाय वेरिंग सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा दैट हाउ इंडस्ट्रीज दे डेवलप्ड इन इंडिया, एंड या कमेंट करके हिस्ट्री ऑफ मेनी बिजनेस ग्रुप गोज बैक टू ट्रेड विद चाइना, कि हाउ द ट्रेड डेवलप्ड इन इंडिया एंड हु वर द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाएगा ये। नाउ वेयर डिड द वर्कर्स कम, दैट इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट हाउ द वर्कर्स दे वर बींग एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। तो उस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, बट आप इसको हाईलाइटेड पोर्शन, अगेन मैं बता रही हूँ, हाईलाइटेड पोर्शन आप देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वॉट वर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पिक्यूलैरिटीज मतलब उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये देखिए मैंने आपके लिए ये मार्क भी किया और ये हाईलाइट किया है। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट इट इज अबाउट कि वाइल फैक्ट्रीज, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज दे ग्रू स्टेडली आफ्टर द वॉर, लार्ज इंडस्ट्रीज दे वर फॉर्म्ड ओनली इन अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। तो ये शॉर्ट नोट आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज की डोमिनेशन मतलब इनका उसके ऊपर आ सकता है, दैट कमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फ्लाई शटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लर्न कर लीजिएगा, फ्लाई शटल आपको पुराने पेपर्स में, पुराने मतलब क्योंकि ये बहुत पहले आता था ये चैप्टर, तो काफी पुराने पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा फ्लाई शटल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाउ ब्रिटिशर्स यूज टू बेनिफिट, यूज टू एडवर्टाइज अबाउट देयर गुड्स। तो ये एडवर्टाइज कैसे करते थे ये उसके बारे में है ये पूरा टॉपिक, हाउ ब्रिटिशर्स दे यूज टू एडवर्टाइज, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं ये, आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट जो है वो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट, एंड दोज हु हैव डन इट प्लीज आई एम थैंकफुल टू देम, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, एंड शेयर करिए मेरी वीडियो को एज फार एज पॉसिबल, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस चैनल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक।